Morning students, nowadays I will start our revision from chapter number 1st. The chapter name is My Mother. So I am giving a worksheet to you and will solve this worksheet in your notebook. I will tell you all the answers from the worksheet. Our first question is, take the right option. In every century, mothers continue to remain fill in the blanks and fill in the blanks. अब इन फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें आना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज केयरिंग एंड अफेक्शनेट. फर्स्ट में आएगा केयरिंग. केयरिंग मीन्स ध्यान रखने वाला, और अफेक्शनेट मीन्स प्यार करने वाला. सेकेंड क्वेश्चन, द राइटर्स मदर लाइक फिल इन द ब्लैंक मेडिसिन. जो राइटर की जो मदर थी उसको जो मेडिसिन लाइक करती थी वो कौन सी मेडिसिन थी? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, होममेड. उसको होम्योपैथिक जो वो थी मेडिसिन वो उसको पसंद थी. थर्ड क्वेश्चन, द राइटर्स मदर्स वर्कड एज एन ऑनरेरी डॉक्टर एट द फिल इन द ब्लैंक्स डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, रेड क्रॉस होम क्लिनिक, रेड क्रॉस हॉस्पिटल. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, रेड क्रॉस होम होम्यो क्लिनिक, जहाँ वो क्या करती थी, डॉक्टर की पोस्ट पे उसकी मदर काम करती थी. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, द राइटर्स मदर प्राइज पोजिशंस वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स बुक, कोनोकेरेफ, सारी, पार्कर पेन. उसको क्या था, पार्कर पेन की नीड थी. नेक्स्ट, कोहू कलरफ इज ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ, काय का कलेक्शन था कोहू कलरफ, स्टोरीज का था, प्लेस का था, पोएम्स का था या फिक्शंस का था? ये था पोएम्स का कलेक्शन. पोएम्स जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. स्टूडेंट, आई विल रीड क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द आंसर. आफ्टर दैट, इन दिस लास्ट वीडियो आई विल सेंड यू ऑल द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज मदर. कैसे उसने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया? तो द करेक्ट आंसर इज, द नरेटर डिस्क्राइब हिज मदर एज ए ब्यूटिफुल, फेयर एंड इलिजेंट, मीडियम साइज, प्लम पर्सन. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट टेल्स दैट नरेटर्स मदर हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज शी यूज टू रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत विद ए ग्रेट ईज. ये सब चीज़ें क्या थी, वो पढ़ती थी. क्या क्या पढ़ती थी? हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत. नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर कॉल पार्कर्स पेन प्राइज्ड पोजिशन ऑफ हिज मदर. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑन इट वॉज रिटन हर नेम. उसका नाम उस पर लिखा हुआ था, कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, एंड इट वॉज गिफ्टेड टू हर फ्रॉम हर डैड. और किसने गिफ्ट किया था उसको? उसके डैडी ने गिफ्ट किया था. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट मदर. क्या कहा उसकी मदर ने, नरेटर ने क्या कहा उसकी मदर से? मदर्स आर स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन. जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए क्या होती है? स्पेशल. सो नो मदर शुड नेग्लेक्ट हर हेल्थ. तो कोई भी मदर जो है हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती. फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट हैपेंड टू हिज मदर एट लास्ट. क्या हुआ उसकी मदर का लास्ट में? ऑन ए कोल्ड विंट्री मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह में, हिज मदर लेफ्ट द वर्ल्ड अनअनाउंस्ड. बिना बोले उसकी जो मम्मी ने क्या कहा था, संसार को छोड़ दिया. सिक्स क्वेश्चन, हाउ कैन यू से डेट द नरेटर मदर वॉकड सेल्फलेसली फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज शी वॉज ए डिलीजेंट एंड कॉपरेटिव पर्सन. क्या थी वो? एक डिलीजेंट और कॉपरेटिव पर्सन थी. वंस वेन आस्ड फॉर हेल्प शी टॉट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए मंथ फॉर थ्री टीचर्स. तीन टीचर्स के साथ वो पढ़ती थी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सिंगल वर्ड फ्रॉम द
विच मीन्स सेम एज द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है और आपको क्या करना है, एक सिंगल वर्ड उसके लिए यूज करना है। तो क्या है, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैविंग पावर टू अट्रैक्ट। जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है चेरिस मिस्टेक। स्पेलिंग में यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ, CHARISMATIC। द करेक्ट आंसर इज चेरिस मैटिक। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट एंड स्मॉल डिटेल्स। डिफरेंट पार्ट एंड स्मॉल डिटेल्स, इसका आंसर आएगा इंट्रिकेट। INTRICATE। द करेक्ट आंसर इज इंट्रिकेट। नेक्स्ट, अदर वर्ड फॉर प्रेयर्स। प्रेयर्स का अदर वर्ड क्या हो सकता है, हाइम्स। HYMNS। नेक्स्ट, स्मॉल राउंड पिल्स ऑफ होम्योपैथी, उसको क्या बोलेंगे, जो स्मॉल राउंड पिल्स ऑफ होम्योपैथी की, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल्स। जी, स्पेलिंग इज दैट GLOBULES। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है आपको, जो इसमें एडजेक्टिव दे रखे हैं उसको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करके बताना है कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव दे रखे हैं। अवर फर्स्ट सेंटेंस, निम्बल फिंगर्स कुड एडजस्ट इज प्लेट। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, निम्बल। एडजेक्टिव क्या है, निम्बल इज एडजेक्टिव। आप इसको क्या करोगे, कॉपी में कैसे करोगे, फर्स्ट यू राइट सेंटेंस आफ्टर डेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू निम्बल। माई मदर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड प्लम्प पर्सन। तो क्या होगा इसमें, दो इसमें एडजेक्टिव दे रखे हैं, इंटेलिजेंट एंड प्लम्प। हमेशा ध्यान रखिए, एग्जेक्टिव जब भी पूछता है, एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। क्यों, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाइड करता है। थर्ड, कोल्ड विंट्री मॉर्निंग शी लेफ्ट द प्लेस। क्या होगा यहाँ पे, कोल्ड, विंट्री से पहले क्या आ रहा है, कोल्ड, तो कोल्ड इज एग्जेक्टिव। नेक्स्ट, शी हैड ए चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जो होगा, यहाँ पे चैरिस्मेटिक वर्ड जो होगा एग्जेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनियम्स। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंटोनियम्स और एक होता है सिनोनियम। एंटोनियम्स मीन्स होता है किस चीज़ का उल्टा, और सिनोनियम मीन्स होता है किस चीज़ का पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमसे एंटोनियम्स पूछा है। अवर फर्स्ट वर्ड इज प्लम। प्लम का एंटोनियम्स होता है थिन, THIN। सेकेंड, क्विकली। क्विकली माने जल्दी सी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्लोली, SLOWLY, स्लोली। थर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली, यानी फुल मीन्स भरा हुआ। डिटेस्टेड, डिटेस्टेड मीन्स घृणा करना, नफरत करना, उसका होगा लव, LOV। मोर, मोर माने ज्यादा, इसका अपोजिट होगा लेस, लेस माने कम। स्मूथली, स्मूथली मतलब चिकना होना, और उसका अपोजिट क्या होता है, रफली, RUGHLY। रफली मतलब रफ, और स्मूथ मीन्स चिकना। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट मोस्ट कॉमन इज क्वेश्चन आंसर। तो आई विल टेल यू अगेन क्वेश्चन एंड आंसर। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज मदर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, द नरेटर डिस्क्राइब हिज मदर एज ए ब्यूटिफुल फेयर एंड इंटेलिजेंट मीडियम साइज प्लम पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टेल्स दैट नरेटर मदर हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज इन द लेसन। माय मदर, इस लेसन में क्या नॉलेज मिल रही है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ही यूज्ड टू रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत विद ग्रेट ईज। आवर थर्ड क्वेश्चन इज
Why did the narrator call a Parker Pen prize possession of his mother? क्यों लिया उसने मदर के लिए? Because on it was written her name, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ था कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, and it was gifted to her from her dad. Our fourth question is, what does the narrator say about mothers in this lesson, my mother? तो आंसर इज डैट मदर्स आर स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन, सो नो मदर शुड नेग्लेक्ट हर हेल्थ. नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू हिज मदर एट लास्ट इन द लेसन माय मदर, क्या हुआ उसकी मम्मी को लास्ट में? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन ए कोल्ड विंट्री मॉर्निंग हिज मदर लेफ्ट द वर्ल्ड अनअनाउंस्ड, बिना बोले उसकी मम्मी ने क्या करा, इस संसार को छोड़ दिया. अवर सिक्स क्वेश्चन इज, How can you say that the narrator mother worked selflessly for humanity? The answer of this question, because she was a diligent and cooperative person. Once when asked for help, she taught English, Hindi and Sanskrit and substituted for a month for three teachers. So students, I had completed this worksheet. It is worksheet number 1. I will send you question and answer for this chapter, for this worksheet. You will do in your notebook. Thank you. Have a nice day.